क्या हमारे इंडियन फुटबॉलर्स सऊदी प्रो लीग में जाके खेल सकते हैं जहाँ पे रोनाल्डो, बेंजिमा, एनगोलो कांटे जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं? एंड क्या सऊदी फुटबॉल इंडियन फुटबॉल को भी इम्पैक्ट कर सकती है जो भी चल रहा है सऊदी अरेबिया में इस वक्त? उससे क्या इंडियन फुटबॉल भी इम्पैक्ट हो सकती है इन अ पॉजिटिव वे? हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आएंगे हम कि क्या हमारे इंडियन प्लेयर्स भी खेल सकते हैं सऊदी प्रो लीग में जाके, बट उससे पहले हमारे को देखना पड़ेगा कि क्या ये सऊदी में जो हो रहा है इस वक्त एक एशिया फुटबॉल रेवोल्यूशन जो चल रहा है सऊदी अरेबिया में, क्या उससे इंडिया में भी इम्पैक्ट आ सकता है? वेल यस, इंडिया भी उससे इम्पैक्ट हो सकती है इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि अगर आप देखो सऊदी प्रो लीग में ऑलमोस्ट जितनी भी वहाँ की बड़ी टीम्स हैं सऊदी प्रो लीग की, चाहे हम अल हिलाल की बात करें, अल शबाब, अल इतिहाद, अल नसर, अल फाए, अल वेदा, जितनी भी ये बड़ी बड़ी क्लब्स हैं सऊदी प्रो लीग की, अपने पैसों का जोर दिखा रहे हैं ये एंड यूरोपियन प्लेयर्स ला रहे हैं अपनी अपनी टीम्स में। तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया को ऐसे हो सकता है, या इनडायरेक्ट अगर मैं कहूँ कि जितनी भी टीम्स हमारी पार्टिसिपेट करेंगी एएफसी चैंपियंस लीग में आने वाले 2-3 साल में 4 साल में, एंड जब भी कोई सऊदी प्रो लीग का कोई भी क्लब अगर इंडिया में आके खेलेगा, कंपीट करेगा एएफसी चैंपियंस लीग के मैचेस में अगेंस्ट दीज आईएसएल क्लब्स, तो कहीं ना कहीं रिवेन्यू जनरेट होगा, टिकट्स ज़्यादा सेल होंगी, स्पॉन्सरशिप्स का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन फुटबॉल के ऊपर, क्योंकि ठीक है अभी हमारी एएफसी कॉम्पिटिशन्स में इतनी ज़्यादा स्लॉट्स नहीं है, एंड अगले सीजन से तो हमारे को जो डायरेक्ट एंट्री मिल रही है एएफसी चैंपियंस लीग के लिए वो भी चली जाएगी। वी ऑल नो दैट इट इज़ द लास्ट सीजन फॉर मुंबई सिटी एएफसी जिसमें उनको डायरेक्ट एंट्री मिली है, अगले सीजन से कमानी पड़ेगी एंट्रीज इन टू द एएफसी चैंपियंस लीग। बट हमारी जितनी भी टीम्स जाके खेलेंगी एएफसी चैंपियंस लीग में, एंड वो ड्रॉ होंगी जब भी सऊदी प्रो लीग के क्लब के अगेंस्ट, एंड वो जब क्लब यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो व्यूअरशिप है इंडियन फुटबॉल की वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी कहीं ना कहीं। तो इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव वे में वो इंडियन फुटबॉल को जरूर पड़ेगा। बट इसमें अगर मैं अपना सेकेंड डायमेंशन जोड़ूं कि क्या इंडियन फुटबॉलर्स जाके खेल सकते हैं सऊदी प्रो लीग में, तो आंसर इज येस एंड आंसर कैन बी अ नो एज वेल। क्योंकि हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज पर कंडीशंस, एज पर फॉरेन रूल पॉलिसी इन सऊदी प्रो लीग या सऊदी अरेबिया अगर मैं कहूँ तो आप अपने स्क्वाड में 8 फॉरेन प्लेयर्स ला सकते हो, एंड कहीं ना कहीं हम सब देख रहे हैं वो कि अल नसर की बात करूँ, अल हिलाल की बात करूँ, तो वो कितने ज़्यादा यूरोपियन प्लेयर्स ला रहे हैं, वो फुल इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम 8 के 8 यूरोपियन प्लेयर्स ही ले आएँ अपनी टीम में। एंड वहाँ पे ये एक सिस्टम भी है सऊदी अरेबिया में कि वो अपने रॉ टैलेंट को, अपने कंट्री के टैलेंट को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते वो फुटबॉल में, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना है। वो प्लेयर्स में जो टॉप क्लास प्लेयर्स होते हैं, जैसे हमने रोनाल्डो देखा, बेंजिमा को देखा, वो सब वो अपनी तरफ खींच लेते हैं सऊदी अरेबिया वाले, तो जिससे जो उनका फॉरेन कोटा है 8 प्लेयर्स का, हर टीम में 8 फॉरेन प्लेयर्स हो सकते हैं, वो यूरोपियन प्लेयर्स से ही फिट करना चाहते हैं, वो फुल करना चाहते हैं अपना स्क्वाड सऊदी प्रो लीग के सारे क्लब्स। बट क्या इंडियन प्लेयर्स वहां पे जाके खेल सकते हैं? यस, अभी रिसेंटली एक र्यूमर भी आई थी कि सहाल अब्दुल समद के पास भी 2 सऊदी प्रो लीग क्लब्स ने ऑफर करा है, उनके बारे में अप्रोच करा है, उनके बारे में इंक्वायरी करी है, बट वो कौन से क्लब्स थे दोनों वो डिस्क्लोज नहीं हुआ कभी भी। तो जो हमारे इंडिया में एक्सेप्शनल टैलेंट वाले प्लेयर्स हैं उनके ऊपर नज़र जरूर होगी सऊदी प्रो लीग के क्लब्स के लिए, बट क्या वो बेनिफिशियल रहेगा हम इंडियन प्लेयर्स के लिए, वो एक कहने वाली बात थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स अगर वहाँ चले भी जाएँ तो यूरोपियन प्लेयर्स को ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा फॉरेन प्लेयर रूल के अकॉर्डिंग, एंड जो भी कोचेस हैं सऊदी प्रो लीग में वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हम अपनी लाइनअप में यूरोपियन प्लेयर्स को ही स्टार्ट करें, उज़्बेकिस्तानी प्लेयर्स को स्टार्ट करें, क्योंकि एशिया में जो बाकी की कंट्रीज है वो भी तो फॉरेन रूल पॉलिसी के अंडर ही आती है ना सऊदी प्रो लीग में। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि यूरोपियन प्लेयर्स को स्टार्ट सबको ही मिले,
बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी कतारी प्लेयर्स होंगे सऊदी प्रो लीग के क्लब्स में, जितने भी ईरानियंस होंगे सऊदी क्लब्स में, वो उन सबको भी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स की अभी मैं देखता हूँ कि कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़, वो टैलेंट अभी थोड़ा नीचे है उन प्लेयर्स से जो ईरान के हैं, जो कतर के हैं, या जो यूरोपियन प्लेयर्स हैं। ऑफ कोर्स उनसे ज़्यादा टैलेंट तो किसी में भी नहीं है फुटबॉल में, बट कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स का जो एक ये माइंडसेट रहता है कि ISL में हमारे को काफ़ी पैसे मिल रहे हैं, तो वो एक टारगेट उनका सऊदी में जाके हो सकता है फुलफिल, कि पैसे उनको इंडिया से ज़्यादा ही मिलेंगे सऊदी अरेबिया में, बट गेम टाइम उनको मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारे प्लेयर्स होंगे जो कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होंगे प्लेइंग टाइम देने के लिए सऊदी प्रो लीग के कोचेस को। बट यस, इंडियन प्लेयर्स के लिए खुले हैं दरवाजे सऊदी अरेबिया में जाने के, बट इट विल बी वेरी हार्श फॉर देम अगर वो इतने पैसे लेके भी उनको अगर गेम टाइम नहीं मिलेगा तो लेट सी क्या हमारे इंडियन प्लेयर्स सऊदी अरेबिया जा पाते हैं, कोई आने वाले टाइम में 1-2 साल में सऊदी प्रो लीग के किसी भी क्लब में एंट्री पा पाते हैं अपने लिए, वेल लेट सी। बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल को भी पड़ेगा जब लाइक्स ऑफ बेंजिमा, कांटे एंड रोनाल्डो विल प्ले इन इंडिया अगेंस्ट एनी ऑफ दीज ISL क्लब्स हु क्वालिफाई इन AFC चैंपियंस लीग, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा इंडियन फुटबॉल को। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।